भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला अब बस 24 घंटे से भी कम की दूरी पर खड़ा है। लेकिन इस मुकाबले से पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने भारत के खेमे में खलबली मचा दी। दरअसल भारत के कप्तान रोहित शर्मा, जो कि इससे 24 घंटे पहले प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, पिच के ऊपर उनके अंगूठे से जाकर गेंद टकराई, जिसके बाद उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद उनके अंगूठे के ऊपर टेप लगाया गया, जिस टेप को लगाने के बाद ही रोहित शर्मा हमें बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस घटना को देखकर विराट कोहली और शुभमन गिल, जो कि वहीं पर थे, वो काफी ज्यादा चौंक गए। हालांकि रोहित की ये इंजरी बहुत सीरियस नहीं थी, क्योंकि काफी देर के बाद रोहित शर्मा ने इस टेप को हाथ से निकाल दिया। उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली पारी में अच्छा परफॉर्म करें। कमेंट करके आप लोग बताना आपके हिसाब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा।